हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे हम अपना चैप्टर 7 डिवीजन कर रहे थे तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल डू आवर एक्सरसाइज 7.6। सो 7.6 का फर्स्ट हम जो है ई पार्ट चेक करेंगे। सो व्हाट इज द ए पार्ट? इट्स डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। एंड राइट होते हैं। वन इज डिवाइजर, नेक्स्ट इज डिविडेंड एंड थर्ड वन इज क्वोशिएंट। सो वी विल डू द फर्स्ट टर्म एंड उसके साथ ही हम देखेंगे व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज क्वोशिएंट। ओके, सो फर्स्ट टर्म दैट इज गिवन टू अस इट्स 10 and 2। सो इसमें हमारा जो 10 है दिस इज डिविडेंड। जो सेंटर में क्वेश्चन हमारा गिवन है दैट इज डिविडेंड एंड जो हमारा क्वेश्चन इस साइड पे गिवन है दैट इज डिवाइजर। जिसके साथ हमने डिवाइड करना है दैट इज डिवाइजर, जिसको डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड। सो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हमें ये डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या करेंगे हम? पहले टेबल लिखेंगे। कब कहाँ तक हमने टेबल लिखा है? 2 का टेबल जहाँ पे हमें 10 मिलता है। 2 के टेबल पे 10 हमें कहाँ मिलता है वहाँ तक हमने अपना जो है 2 का टेबल लिखा है। सो फर्स्ट इज 2 1 इज 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. So we got 10. तो कहाँ पे जाके 2 के टेबल पे 10 आया? 5. So 5 is the answer and 10, 2 5 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे। Then हमने 10 में से 10 को माइनस करना है। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0. Now this is divisor, this is divisor and what is quotient? This is quotient. तो हम quotient लिखेंगे इसका जो हमें पूछा गया है, multiplication and prime quotient. तो quotient हम इसका लिखेंगे। quotient क्या आ रहा है हमारे पास? 5. So 5 is the quotient. Again divisor, divisor and quotient. And multiplication method कौन सा है? This one is your multiplication method. So how we write this? We write this 2 in 5 equal to 10. This is for your rough work. इसमें आपने जो है rough पे work करना है। आपको table अगर आते हैं तो then आप अपने मन में भी इसको कर सकते हो। Otherwise you can do it on your rough note. Okay, so we will do another sum. So the next sum is 18 divided by 3. Again, इसमें dividend है हमारा central portion that is 18, divisor है हमारा side portion that is 3. And quotient हमने पता करना है with the help of multiplication table. 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. So we got 18, 3 के टेबल में, तो कहाँ पे आया हमारे पास? 6 पे, 3 6s are 18. Now
will be minus 18, minus 18. Answer is 0. So in this case, we got the quotient. Quotient को हम short form में भी लिख सकते हैं. We can write it as only Q. हम Q की तरह भी quotient को लिख सकते हैं. तो quotient हमारे पास क्या आ गया? 6. And how we write it? Multiplication में 3 into 6 equal to 18. 3, 6 are 18. Clear to you? Okay. Next, move further to the second part. अब आपका homework यही रहेगा कि जो इसके remaining sums है, that you will do yourself. Okay. Next, we will come to the second part. Divide by now using method and write the quotient. So first one is 16 divided by 4. So how we write it? We write it in this way. 16 in the center and 4 is here. This is our dividend, this is our divisor. Again we use the multiplication table. 4, 1 is 4. 4, 2 is 8. 4, 3 is 12. 4, 4 is 16. So we got 16 on 4. 4, 4 is 16. 16 minus 16, answer is 0. So what is the quotient here? Quotient is equal to 4. और write the quotient अगर हमें heading में given है, तो हमें quotient write करना ही है, ठीक है? और log division में हम क्या करेंगे? ये table हमें necessary लिखना है। ये table हम छोड़ नहीं सकते। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया कि आप table मन में भी पढ़ सकते हो, otherwise you can go it on the rough note. बट इसमें हम टेबल जो है साथ के साथ लिखते रहेंगे. क्लियर? लेट्स सी द अदर सम. एक सम और करते हैं. आफ्टर दैट यू विल डू इट अदर सम्स योरसेल्फ. ओके, इट्स 24 डिवाइडेड बाय 6. सो वी राइट इट इन दिस वे. 24 इन द सेंटर एंड 6 इज हियर. सो वी विल राइट हियर 6 1 इज 6. 6 2 इज 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24. So 6 4 is 24. 24 minus 24, answer is 0. So what is the quotient? Quotient is equal to 4. I hope आपको ये दोनों पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर होंगे. So अब इसके जो remaining sum है, that you will do it yourself. ओके, इसको ट्राई कीजिए. और थैंक यू, हैव अ नाइस डे.